अगर आपका गाड़ी में गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है तो आपने बिल्कुल सही जगह पे जो है वीडियो को क्लिक किया है, वह वीडियो को पूरा देखें। ये जो वीडियो है फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी का है। गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम गियर लगाते तो कोई भी गियर नहीं लगता, अगर कोई गियर लग भी जाता है तो गाड़ी रेस हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गियर शिफ्टिंग के बारे में। ये जो गाड़ी हमारी है ये फुली ऑटोमेटिक है, विदाउट क्लच की, बिना क्लच की गाड़ी है। इसमें क्या है कि गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। आप देखें, जैसे ही गियर डालते हैं इसमें क्या होता है, ये ई चला जाता है लेकिन कोई भी गियर नहीं लगता, कोई भी गियर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखेंगे, इसको मैनुअल में डालेंगे, गियर कोई भी नहीं लग रहा, लगेगा अभी तो शिफ्ट नहीं होगा। देखेंगे कि बिल्कुल भी गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है। गियर नहीं लग रहा, खाली ही जाएगा। और आता क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस गाड़ी में, हम इस गाड़ी को चेक करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को कर लेते हैं रीसेट। अभी रीसेट करके आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। जाने के बाद हम चाबी को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर रीसेट होगा। देखेंगे अभी चला गया है, तो अभी जैसे रीसेट करते हैं, ये रीसेट करने के लिए दोनों को पहले हम दबाते हैं, फिर चाबी स्विच को ऑन करते हैं। चाबी स्विच को ऑन किया, कितना बरमोजा होता है आपको देख सकते हैं कि नुशी होगा, आधा होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। आ गया, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, नहीं जैसे एन आने के बाद गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, देखेंगे कि साउंड सा आया है, बीप बची पी इस तरह से, लेकिन एन भी गायब हो गया और कोई भी आगे रिसेट नहीं, यानी हाफ बरमोजा ही हो रहा, फुल नहीं हो पा रहा है। तो क्या दिक्कत हो सकती है, इसके लिए क्या करेंगे, हम गाड़ी को पहले डायग्नोसिस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी हमने जो है स्विच को जैसे ही छोड़ेंगे लेकिन यहाँ नहीं आएगा, अभी यहाँ जब ही आएगा जब हम गाड़ी को ऑफ करेंगे। तो अभी क्या करना है, ये सब चेक करने के लिए पहले हम गाड़ी को करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या ख़राबी है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको बताता हूं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अपने भाई के लिए दुआ करें। अभी हम इस गाड़ी को डायग्नोसिस करेंगे, जैसे कि अपने सिस्टम के ऊपर हम आ चुके हैं। तो अभी हमारा सिस्टम जो है ओपन हो रहा है, और जब तक ओपन हो रहा है तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं, और आपका और अपना दोनों का जो है जानकारी में, एक्सपीरियंस में इजाफा करते रहते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इस तरह की बहुत सारी जो है दिक्कतें अभी गाड़ियों में आ रही हैं। हमने एक चीज़ देखा हुआ, जब कोई दिक्कतें आने चालू होती है तो एक ही तरह के बहुत सारी गाड़ियों में जो है प्रॉब्लम आना चालू होता है एक ही तरह की। तो अब इस गाड़ी में क्या है देखते हैं। सिस्टम अभी ओपन हो रहा है, चेक करेंगे क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में। FR नॉट एक्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि हमें गियर का देखना GS भैया। आप देखेंगे GS के अंदर कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, GS में जो है कोई फॉल्ट ही नहीं है।
गियर नहीं लग रहा तो क्या दिक्कत हो सकती है? MR के अंदर एक है स्पीड का, बाकी कोई दिक्कत ना आए क्या करना अभी, तो क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? तो हम इसके करेंगे काम सबसे पहले बलक सारों का, और इसमें दूसरा क्या है, जब हम करते थे कौन सा आता था, GS9, तो हम चेक करेंगे GS19 क्या चीज़ है, GS19 के हिसाब से अभी काम करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में कोई फॉल्ट कोड नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। ये है GS19 से आ रहा था, ये आप देखेंगे क्या लेके बाइक का। जैसे कि अगर GS19 आया हुआ है तो GS19 का जो फॉल्ट है आप देख सकते हैं इस तरह से बताता हूँ। GS19 के हिसाब से जो मैंने पहले शॉप था बल्ब सारों को खोल लिया और उसको अच्छे से और जो है रिपेयरिंग करना, और उसका सलाह जो रहती है उसकी किट, रिपेयरिंग किट डाल दिया नया। अब उसको दोबारा से हमने फिटिंग कर दिया, फिटिंग करने के बाद गियर को रीसेट किया जो एक तरीका होता है हिसाब से, के बाद ही हम गियर पहले क्या था जब रेस देते थे ना तो ये वाले सुई उठ जाता था, पहले गियर अपने उठ जाते थे अपने आप ही, अब रेस देने पे वो ना उठ रहे। अब कितना भी रेस दे तो हिल ना रहे, पहले अपने आप उठ जाता था, पता नहीं शॉर्ट सर्किट तक क्या था। नहीं वो मैं बोला ना पानी तारे, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का जो है बल्ब सारों को रिपेयरिंग किया और उसके बाद जो है लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो ओके हो गया। अभी देखेंगे तो रीसेट किया, सारे गियर डल रहे हैं ऑटोमेटिक ही। अभी गियर डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है गाड़ी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि गाड़ी में जब भी थे GS19 आ रहा था, इसमें जब हम रीसेट करते तो GS19 आ रहा था, और जैसे कि कंप्यूटर चेक करने पे तो कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है गाड़ी हो गई है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर इस तरह की आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से जो है काम कर सकते हैं। इसमें क्या था, जैसे कि गियर डालते थे और जहाँ पे बल्ब सारों के वहाँ से बस आवाज़ आती थी शिफ्टिंग की, और हवा बाहर निकलता था, जाती थी आती थी, जैसे लग रहा है कि पिस्टन दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दब नहीं रहा है। और दूसरा क्या था इसमें, ये जब भी हम एक्सीलेटर पार्ट दबाते थे तो ये जो मीटर है ना ये उठता था, ऊपर थोड़ा सा उठता था फिर डाउन होता था, 40 तक भी 80 तक भी जाता था किलोमीटर। तो क्या हुआ था, ये जो इसका कार्बा था, कार्बा क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, अंदर से जो प्लेट थी वो शॉर्ट हो गई थी, कई वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी गया या कुछ गया, पानी तो उसमें नहीं मिला लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा पानी जाने की वजह से ही वो शॉर्ट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है गाड़ी ओके हो गई, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो लोग भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप कोई भी मैसेजेस कर सकते हैं, यानी DM आप वहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सीधा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे जाके फॉलो और मैसेजेस कर सकते हैं।
हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।